नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है मुन्नी बिहारी फूड मेरे चैनल में। तो आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड देख सकते हैं, ये करवा चौथ की थी ना मैं, तो उस रात को थोड़ा वीक महसूस, फीवर वगैरह थोड़ा सा हो गया था। तो ये ना जाने क्या तो बोलता है, जो हो गया है तो हमें अच्छा नहीं लग रहा है। फिर भी आज हम एक रेसिपी लेकर आए हैं, तो ये देख सकते हैं इसी का रेसिपी आज आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे। तो ये हम लोग के यहाँ बोला जाता है ओल, तो ये है देहाती ओल। तो इसका रेसिपी हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे फ्रेंड। तो बहुत ही टेस्टी यम्मी इसकी सब्जी बनती है। तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा, और जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा फ्रेंड। तो इसे इसका एक और खासियत है कि इसे छीलते वक्त हाथ में बहुत खुजली होता है फ्रेंड, इसीलिए हम इसको छीलूंगी नहीं, उबाल के बनाऊंगी। तो इसको हम टुकड़ा करके और उबालने के लिए पहले बैठा देती हूँ, और उसके आगे हम दिखाती हूँ आप लोगों को और क्या क्या सामग्री डलाता है। तो आज मैं इसी का रेसिपी लेकर आई हूँ, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम मसाला जा रहे हैं तैयार कर लेने। तो ये है अदरक और लहसुन और काली मिर्च और जीरा। तो इसे हम मसाले पीस लेते हैं, पीस कर मसाला को तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, हम ओल को उबाल लिए हैं। तो इसका छिलका देखिए इस तरीके से हम उतार देते हैं, तो ये बहुत ही उबालने के बाद आसानी से उतर जाता है छिलका इस तरह से। इसका हम छिलका उतार लेते हैं, तो उसके आगे हम दिखाते हैं आप लोगों को। ये देखिए फ्रेंड, हम ओल को छिलका उतार लिए हैं और बढ़िया से छील लिए हैं, देख सकते हैं आप लोग, बहुत ही आसानी से छिला जाता है। और हम कढ़ाई में तेल डाल दिए, तेल मेरा गर्म हो गया है। तो अब हम ओल को तल लेते हैं, फ्राई कर लेते हैं बढ़िया से। तो ये देख सकते हैं हम गोल्डन ब्राउन बढ़िया से ओल को फ्राई कर ले रहे हैं गोल्डन ब्राउन होने तक। तो ये मेरा हो गया है, तो इसी तरह मैं सारे ओल को फ्राई कर लेती हूँ, उसके आगे दिखाती हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे हम देखिए ओल को फ्राई कर लिए हैं, तो हम डाल देते हैं कढ़ाई में फोरन। तो ये है फोरन, लाल मिर्च और तेज पत्ता, थोड़ा सा जीरा और ये दालचीनी है, कुछ गर्म मसाले साबुत हैं, और थोड़ा सा यहाँ पे हींग डाल देते हैं हम। और यहाँ पे एक प्याज और एक टमाटर हम ले लिए हैं, तो फोरन को थोड़ा हल्का चटक जाने देते हैं। तो हम प्याज को डालकर भून लेते हैं। तो प्याज का मेरा कलर चेंज हो गया है, तो यहीं पे हम डाल देते हैं टमाटर। और टमाटर को भी गलने तक भून लेते हैं। तो हम मसाले तैयार कर लेते हैं, देख सकते हैं आप लोग फ्रेंड। तो यहाँ पे जो हम मसाले पीसे थे, लहसुन अदरक काली मिर्च, तो उसी में हल्दी पाउडर डाल देते हैं। और अब ये तीखा के अनुसार लाल मिर्च पाउडर, और अब ये धनिया पाउडर। धनिया पाउडर हम 2 चम्मच डालेंगे। और इधर मेरा टमाटर भी गल गया है। और ये है थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। तो अब मसाले को भी डालकर हम साथ में भून लेते हैं। तो यहाँ पे मसाला भी मेरा भून गया है, देख सकते हैं आप लोग, मसाले से तेल बाहर आ रहा है। तो अब यहीं पे हम ये जो ओल फ्राई करके रखे हैं, तो इसे डालकर अब मसाले में 2 मिनट तक अच्छी तरह से भून कर पका लेते हैं, और साथ में नमक डाल देते हैं स्वाद के अनुसार। तो यहाँ पे हम नमक डाल देते हैं। तो
तो ओल को हम भून लिए हैं मसाले में 2 मिनट तक। तो अब डाल देते हैं पानी, तो यह है मसाला वाला पानी, तो इसे ही हम डालेंगे। तो ओल मेरा उबला हुआ था फ्रेंड, तो इसीलिए हम पानी थोड़ा हिसाब से ही डालेंगे, ताकि हमारा जितना में मसाले पानी में पक जाए। तो ये देख सकते हैं हम इतना ही पानी डालेंगे, और यहीं पे हम डाल देते हैं, ये है गरम मसाला। गरम मसाले को डालकर और हम ढक्कन लगाकर पका लेते हैं, उसके आगे हम मिलते हैं आप लोगों से, दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड, मेरा सब्जी बनकर तैयार है। तो देख सकते हैं ओल का सब्जी बहुत ही टेस्टी यम्मी बन के तैयार है। तो अब हम साथ में जा रहे हैं रोटी बनाने। तो देख सकते हैं आप लोग, तो हमारा वीडियो आज का अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में कोई बढ़िया रेसिपी लेकर, अच्छी रेसिपी लेकर। तो तब तक के लिए बाय बाय।